नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनावी चंदे का पिटारा खुल गया है, लेकिन इसमें अभी कई पेंच बाकी है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें सबसे बड़ा चुनावी चंदा किसी बड़े कॉर्पोरेट ने नहीं बल्कि एक गुमनाम सी लॉटरी कंपनी ने दिया है, वो भी पूरा 1368 करोड़। अभी SBI की तरफ से दिए गए डेटा में इस बात की जानकारी नहीं है कि किस बॉन्ड को कौन सी पार्टी ने भुनाया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर स्टेट बैंक को फिर फटकारा है। इस पर 18 मार्च को सुनवाई होने वाली है। क्या है चुनावी चंदे का पूरा तिलस्म, आइए हमारे इस खास शो के जरिए जानते हैं। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए। वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपए। भारतीय ग्रुप 247 करोड़ रुपए। SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़ रुपए। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन 220 करोड़ रुपए। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़ रुपए। मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनीज हैं। चुनावी चंदे में इनसे नीचे कई बड़े ग्रुप्स आते हैं, जैसे DLF ग्रुप 170 करोड़ रुपए, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 162 करोड़ रुपए, उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल 145.3 करोड़ रुपए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 123 करोड़ रुपए, बिरला कार्बन इंडिया 105 करोड़ रुपए, रुंगटा सन्स 100 करोड़ रुपए, डॉक्टर रेड्डीज 80 करोड़ रुपए, पिरामल एंटरप्राइजेस ग्रुप 60 करोड़ रुपए, नवयुग इंजीनियरिंग 55 करोड़ रुपए, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स 40 करोड़ रुपए। तो SBI की तरफ से अभी तक जो जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है वो लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की हुई जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दलों को गोपनीय चंदा देने वाले चुनावी बॉन्ड योजना में तीन टॉप खरीदारों ने कुल 2744 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब दिलचस्प तथ्य ये है कि शीर्ष तीन में दो कंपनीज ऐसी हैं जिनका नाम आम लोगों ने शायद ही सुना हो। लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने सबसे अधिक 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। ये कंपनी 2022 में तब चर्चा में आई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने इस पर छापे मारे थे और इसकी करीब 409 करोड़ की चल और अचल संपत्ति जब्त की थी। चंदा देने वाली दूसरी टॉप कंपनी हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अब सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने वाली इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। चुनाव आयोग की जानकारी जारी करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली दूसरे नंबर पर रही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रशांत भूषण ने ट्वीट में कहा, 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए, लेकिन एक महीने के अंदर ही उसे BJP की महाराष्ट्र सरकार से 14,400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो ये तो हमने चंदा देने वाली सिर्फ दो टॉप कंपनीज के बारे में बताया है। तीसरे नंबर पर 410 करोड़ का चंदा देने वाली क्विक चेन सप्लाई का भी कुछ ऐसा ही इतिहास है। तो पारदर्शिता के जिस मकसद से 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी, जिसके पीछे तब के वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने संसद में कहा था कि इस स्कीम के जरिए राजनीति में काले धन का प्रवाह रुकेगा, वो मकसद कितना पूरा हुआ या हो पा रहा है, आप खुद ही इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक जो डेटा आया है उसका एक महत्वपूर्ण सिरा खुला ही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड से आए चंदे का डेटा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फिर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके आदेश पर SBI ने चुनाव आयोग को डेटा तो दे दिया है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब 18 मार्च को सुनवाई होनी है। एंड दे सेड दैट दिस इंफॉर्मेशन डिड नॉट इंक्लूड द अल्फा न्यूमेरिक नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, so therefore they have not given full information about the people who
purchase the bonds as well as the parties who redeemed the bonds because सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे का डेटा तो सुप्रीम कोर्ट में दिया, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा लिया। आखिर क्या है इसकी वजह? क्या SBI इस मामले में कोई बड़ा झूठ छिपा रहा है? ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और उसको लेकर गड़बड़ी की आशंका पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। SBI ने अभी जितना बताया है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ है। विपक्ष इसको लेकर सरकार और SBI की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ BJP को गए हैं। 60% 60% BJP को गया है और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। हालांकि विपक्ष भी इस मामले में कम शातिर चाले नहीं चल रहा है। कांग्रेस को तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा मिला है। अगर उसको इस मामले में इतना पाक साफ दिखना है तो वो फिर अपना चंदा सार्वजनिक क्यों नहीं कर देता? उसे किसने कितना चंदा दिया ये बताने में विपक्षी पार्टियों को क्या दिक्कत है? राहत की बात यह है कि लोकसभा चुनावों से पहले देश को पता चल गया है कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली जानकारी के मुताबिक इस मामले में BJP अव्वल रही, क्योंकि BJP को अब तक 60 अरब का चंदा मिल चुका है। दूसरे नंबर पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस नहीं है, बल्कि दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी TMC है। आइए आप ये भी जान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला। तब हम आपको दिखाते हैं कि किससे मिला कितना चंदा। BJP को 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक 6060 करोड़ रुपए मिले। TMC को चुनावी चंदे के तहत 1609 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से 1421 करोड़ रुपए मिले। KCR की भारत राष्ट्र समिति को 1214 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले। इसके बाद बीजू जनता दल है जिन्हें 775 करोड़ रुपए मिले। BJD के बाद DMK का नंबर है जिसे 639 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। तो सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलने पर BJP के बड़े नेता अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन BJP को सबसे ज्यादा चंदा मिलने की एक वजह ये भी है कि देश के करीब 58% हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जबकि 41% हिस्से में गैर BJP का शासन है। चुनावी चंदे का रुझान दिखा रहा है कि जो पार्टी सत्ता में है उसे ही इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। TMC और BRS उसका उदाहरण है। साल 2018 में आई केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी पारदर्शिता लाने के लिए लाई गई थी, लेकिन इस पर जब तमाम सवाल खड़े होने लगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पहले तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि जनता को जानने का हक ही नहीं है कि उन्हें कौन चंदा देता है, लेकिन इस साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील खारिज कर दी और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द कर दी। SBI से पूरा हिसाब किताब 6 मार्च तक देने को कहा। SBI ने इसमें हीला हवाली की तो उसे फिर कोर्ट से फटकार लगी। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा और उसके एक दिन बाद 12 मार्च को SBI ने डेटा चुनाव आयोग को दे दिया। हालांकि इसमें भी अभी बहुत कुछ छिपाया गया है। अब 18 मार्च का इंतजार है जब इस पर फिर से सुनवाई होनी है। चुनावी चंदे से जुड़ी हर जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।